ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तो जब रोन फॉक्स ने एवलिन के उस पोटेंशियल को नोटिस किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो बड़े ड्रम पर एक डिफरेंट नोट्स बजाने शुरू करे। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, और वो एवलिन से क्या करते कहते थे, बोले डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से सुनने की कोशिश ही मत करो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, बल्कि इसे फील करो, ट्राई टू सेंस इट, किसी तरह से तुम उसे फील करना शुरू करो बस। अब सेज एवलिन, एवलिन ने क्या कहा, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। एवलिन ने यहाँ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया, शी सेड सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। वेस्ट मीन्स कमर, अपने कमर से ऊपर के हिस्से में जब हायर ड्रम की आवाज होती थी उसको सुनाई पड़ती थी, लेकिन जो लोअर पार्ट था जब ड्रम को कम बजाया जाता था, स्लो बजाते थे, तो उसे वो नीचे की सैडनेस महसूस करती थी, उसको ये उसका सेंस शुरू हुआ। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉर्ब्स ने इस तरह की एक्सरसाइज को रिपीट करना शुरू किया, एंड सून एवलिन Forbes and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. अब Evelyn ने इस बात को महसूस किया कि वो different sounds होते हैं, different musics होते हैं, उनको body के different parts से sense कर सकती थी वो। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. क्यों? क्योंकि उसने अपने माइंड और बॉडी को उन साउंड्स और वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग मेंटेन करना सीख लिया था। हमारी बॉडी का हर पार्ट डिफरेंट वे में म्यूजिक को लर्न करता है, कैच करता है, इसलिए जब हम कोई अच्छा रिदम म्यूजिक सुनते हैं और तो हमारे पैर अपने आप चलने लगते हैं डांसिंग मोड में, हमारे हाथ अपने आप हिलने लगते हैं, हमारी नेक, हमारी गर्दन अपने आप मूव करने लगती है। क्यों? क्योंकि उस रिदम से बॉडी का वो पार्ट लिंक्ड हो रहा है। द रेस्ट वाज शीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। शीयर मींस ओनली, डिटर्मिनेशन मींस यू नो बेटर, डिटरमाइंड, डिसाइडेड, और बाकी जो चीज थी वो केवल उसका हार्ड वर्क था और उसका एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन था कि मुझे करना ही है। So these are the tagline of the story. The rest was sheer determination and hard work. Okay. She never looked back from that point onwards. उस दिन से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, when she was at the age of 16, she visited the United Kingdom with a youth orchestra, with a group of musicians. She had decided to make music her life. Later on, it was her firm determination that she decided that I am to live and I am to die only for music. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. Audition means short performance so that the director could decide whether she was good enough. So she went to Royal Academy, she faced the audition and she scored the highest marks in the history of the academy. What is surprise to listen? कि जो बच्ची बोल नहीं सकती थी, जो सुन नहीं सकती थी, उसने वहाँ म्यूजिक के टेस्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर किया। She gradually moved from orchestral work to solo performance. Gradually means slowly. She practiced a lot and she started to perform alone. A
अकेले सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू किया उसने कि अब मैं अपनी परफॉर्मेंस अकेले ही दूंगी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। 3 ईयर्स का जो उसका कोर्स था म्यूजिक का, उसका एंड होते होते उसने टॉप अवार्ड्स कैप्चर कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। डियर स्टूडेंट प्लीज अंडरलाइन दिस सेंटेंस एंड मेक ए चार्ट फॉर दैट। If you work hard and know where you are going, you will get there. अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो और तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो definitely you will achieve that goal. This is the meaning of these lines. And she got right to the top. The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. And what a surprise! She gained the topmost position among the international musicians. She had a very hectic, very busy international schedule of visiting different countries. It is intriguing. Intriguing means fascinating and curious. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. और वास्तव में उसको देखना अपने आप में बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी डेवलप करता था, उत्सुकता होती थी लोगों में कि जो पर्सन सुन नहीं सकता वो कितना शानदार म्यूजिक प्रेजेंट कर रहा है। इन आर टू आर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। सी लाफ्ड। उसने क्या कहा? Men with bushy beards give me trouble. कि जिन लोगों की बुशी झाड़ीदार दाढ़ी होती है, दाढ़ी वाले जो लोग हैं उन वो मुझे प्रॉब्लम करते हैं। सी लाफ टू हंसी। इट इज दिस इज द पिक ऑफ एवलिन। दिस इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस एस्पेशली द आईज। केवल लिप्स को वॉच करना नहीं होता बल्कि पूरे फेस को देखने और स्पेशली आंखों से म्यूजिक ग्रो अप करता है आईज से। शी स्पीक्स फ्लोलेसली। फ्लोलेसली मीन्स विदाउट एनी मिस्टेक विद ए स्कॉटिश लिल्ट। लिल्ट मीन्स अ वे ऑफ स्पीकिंग हाउ टू प्रोनाउंस ए वर्ड दैट इज कॉल्ड लिल्ट। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट। Scottish way of speaking. My speech is clear because I could hear till I was 11. और उसने उसके पीछे रीजन दिया कि why I am capable to speak clearly because up to my age of 11 I was capable to hear, to listen everything. So that's why I can speak well. But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन she knows very well Scottish language, but how she managed to learn French and Japanese? Really, it shows her hard work that how much curious she is towards her goal. As for music, she explains, it pours in through every part of my body, it tingles in the skin. Tingles means pricking, stinging sensation. It pours in through every part of my body. मेरे तो पूरी body में, रोम रोम में म्यूजिक बसा हुआ है। It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair.
पूरी बॉडी में मेरे ये बसा हुआ है और ये मुझे क्या करता है, टिंगल्स करता है, गुदगुदाता है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म से रिमूव हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। जब भी वो अपना कोई प्रोग्राम प्रेजेंट करने के लिए जाती थी तो उसने क्या कहा, किसी सी एक्सप्लेन्स अबाउट दैट द म्यूजिक फ्लोस थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन हर चीक बोन्स एंड इवन इन हर हेयर। When she plays the xylophone, she can send the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonance means sound so flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. For the realization of the vibration, she never put on the shoes on a wooden stage. Okay? Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. और इसीलिए एवरीन जो है डिलाइट, उसके जो ऑडियंस हैं बहुत ज़्यादा डिलाइट्स होते हैं उसकी, उसका जो वे ऑफ सेंस है उससे, और इसीलिए 1991 में उसे सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया था। जो मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड, उन्होंने कितना अच्छा कहा, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसके सुनने की कैपेसिटी तो ले ली, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उन्होंने भगवान ने उसके लिए कुछ विशेष दिया है। वाट जो हम सुनते हैं वो उसको महसूस करती है और हमसे ज़्यादा अच्छा डीपली वो महसूस कर सकती है, इसीलिए वो म्यूजिक को इतना ब्यूटीफुली वे में प्रजेंट कर पाती है। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. Workaholic means क्या होता है, person who finds it difficult to stop working. Passion. उसके अंदर एक passion है, Evelyn ये बात मानती है कि उसके अंदर एक passion है और वो हर बार कुछ ना कुछ नया सीखना चाहती है। I have just got to work. Often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. ये being human वाली जो feeling उसके अंदर है कि वो किसी भी prisons में, जेल में जाती है या hospital में जाती है तो अपने वहाँ program की concert की कोई fees नहीं लेती, ये उसकी ह्यूमैनिटी है। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और जो यंग म्यूजिशियंस होते हैं उनकी क्लासेस को हमेशा प्रायोरिटी देती है कि औरों को सीखना चाहिए। एन रिक्लिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, एन रिक्लिन जो थे वो डीफ चिल्ड्रन के लिए जो फंड होता है बीथोवन फंड, उसके बॉस, उन्होंने कहा सी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में एवलिन जो है डीफ चिल्ड्रन के लिए एक शाइनिंग स्टार है, शाइनिंग इंस्पिरेशन है, क्योंकि दे आर कैपेबल नाउ, दे आर श्योर दैट दे हैव ए ग्रेट
sky before them and they can go anywhere they like. Evelyn Glenn has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. हम अपना रोल मॉडल जिनको बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? ताकि हम उन जैसा कर सकें. तो लोग उसको देखकर ये कहते हैं कि if she can do it, I can. अगर वो ये कर सकती है तो मैं भी तो कर सकता हूँ. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. So really, Evelyn is a perfect example that disability cannot stop a person to achieve if he or she is determined and works hard towards it. Evelyn earned many awards and rewards. She has given enormous pleasures to millions. Such are real human. I salute such personality from the core of my heart. ऐसे लोगों को वास्तव में सैल्यूट करने का दिल करता है कि जो बजाय बैगिंग करने के, भीख मांगने के, दूसरों के पर दूसरों के सपोर्ट पर रहने के, उन्होंने अपनी उस वीकनेस को अपना सबसे बड़ा पावरमेंट डेवलप किया है. डेफिनेटली आई सैल्यूट टू सच पर्सनैलिटीज. सो डियर स्टूडेंट्स, really this chapter is a great source of inspiration to all. Read the word by word and just try to make a PPT on this topic by collecting some data and some videos from the help of Google. You can do